हेलो गाइस, सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बी योरसेल्फ। और मैं हूँ ज़ेबा। सो आज हम एक इजी पीजी सा मेकअप लुक करने वाले हैं। तो सबसे पहले आई वॉश्ड माय फेस, बट थोड़ा बहुत जो भी ऑयल बचता है मैंने कपड़े में आइस क्यूब लिया है, उसको मैं थोड़ा सा डैब डैब करूँगी ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो भी थोड़ा निकल जाए। सो हेयर आई एम डैबिंग उसको अच्छे से अपने नोज़ एरिया पे, अपने जहाँ ऑयल आपको ज़्यादा आता है उसको ज़्यादातर अच्छे से वैसे ज़्यादा प्रेस करें। सो मेरे नोज़ एरिया को ज़्यादा ऑयलिंग होती है, सो आई एम यूजिंग नेक। इसको हम थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने देंगे, बट आइस क्यूब काफ़ी टाइम तक करते हैं कि हमें स्वेट नहीं होता। स्वेटिंग नहीं होगी तो मेकअप ख़राब होने का कोई मतलब ही नहीं होता। सो हो गया है, देन हम बहुत कम प्रोडक्ट में एक अच्छा सा मेकअप लुक करने वाले। वी ऑल नो हम जितने ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं हमारी स्किन उतनी ज़्यादा क्लियर अप होती है और ब्रीथ नहीं करती है। सो हम ऐसा करेंगे कि हम बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ करें और एक अच्छा सा लुक अचीव करें। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ आ फेस सीरम। सो आई हैव गुड वाइब्स रोज़ी फेस सीरम। गाइस, इसके बारे में अगर मैं आपसे डिस्कस करने लगी ना तो पूरा वीडियो ख़त्म हो जाना है। ये बहुत 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 अच्छा सीरम है। लाइक मुझे रोज़ की खुशबू इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है, बट स्मेल जस्ट अमेजिंग, लाइक बहुत अच्छा है। सो हम अपने फेस को पहले अच्छे से प्रेप कर लेंगे। सो हेयर आई एम यूजिंग सीरम ऑन माई फेस एंड माई नेक ऑल्सो। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आपने अपने नेक पर हमेशा उसको लगाना है। अपने नेक को आप कभी नहीं छोड़ोगे। कोई भी चीज़ आपका फेस और आपका नेक अगर अलग दिखता है तो बड़ा अजीब सा लगता है। नहीं तो हम कुछ भी यूज़ करेंगे, आपको याद रखना है कि आपने उसको अपने नेक पे लगाना ही लगाना है। सो हम इसको अच्छे से अपने फेस पे लगा लेंगे। इतना खूबसूरत सा ग्लो देता है और चिप ऑयल लगाते हैं तो चिपचिपी फीलिंग आती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट आपको एक अच्छी सी स्मेल, अच्छी सी फीलिंग और एक अच्छा सा ग्लो देता है। सो आप देख सकते हो मेरे फेस पर। इसको हम अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे एंड 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप में। सो मेरी स्किन अच्छे से प्रेप हो गई है और बहुत सॉफ्ट, बहुत सफल सी हो गई है। सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हम यहाँ पे कोई प्राइमर नहीं यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज मेरे को अपना मेकअप 2 से 3 घंटे के लिए चाहिए, तो मैं उसमें प्राइमर लगा के अपनी स्किन को लेयर अप नहीं करना चाहूँगी। सो हम डायरेक्ट फाउंडेशन भी नहीं लगा रहे। सो हेयर आई एम यूजिंग लैक्मे 925 सीसी कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम। गाइस, इसमें SPA है, बी है, SPF 30 है, PA है और ऑल स्किन टाइप है। और ये फाउंडेशन का नहीं बट अच्छा खासा कवरेज देता है आपको। और डे टाइम में फुल कवरेज इतना अच्छा नहीं लगता है, वो पता चलता है कि आपने मेकअप किया है। सो हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे हमारी स्किन लगे भी ना कि हमने मेकअप किया है। सो हम इसको अपने स्किन पर अच्छे से डैब डैब कर देंगे, डॉट 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 करके लगा लेंगे। आप कभी भी एक बार में उसको ना लगाएं, उसको आप डॉट डॉट करके पूरी स्किन पे करने के बाद ही अप्लाई करें, स्पेशली अपना नोज़ एरिया। सो यहाँ पे इसको अच्छे से लगा लेती हूँ, नेक ऑल्सो। और आप कोई भी फाउंडेशन, क्रीम या फिर मेकअप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो आप या तो उसका ब्रश का यूज़ करें या फिर ब्लेंडर का यूज़ करें। आईलिड, अगर आपके पास ब्लेंडर या ब्रश नहीं है अब तो प्लीज़ आप ले लें, इतना महंगा नहीं आता है। मैं ब्रश से अप्लाई करूँगी, बट पता है हैंड से अप्लाई करने से क्या होता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आपके हैंड में ही रह जाता है। अगर आपको इतनी क्वान्टिटी लगती है आपके फेस में तो आपको इतना लेना पड़ेगा, बिकॉज आधा तो आपके हैंड्स पे ही रह जाता है। सो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये अच्छा खासा कवरेज देता है गाइस आपको। सो अपना आईज़ पे अच्छे से आपको लगा लेना है। अगर आप ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं देन प्लीज़ उसको एक बार वाटर में डिप करके अच्छे से स्क्वीज़ करें, देन आप उसको यूज़ करें। और अगर आप ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो उसको रगड़ना नहीं, जैसे आप उसको उससे डैब भी करें अगर आप ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं। कितना अच्छा सा, यू कैन सी द कितना अच्छा सा ग्लो, कितना अच्छा सा हो गया है। सो हमें
यहाँ पे किसी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है डे टाइम में, आई डोंट थिंक सो फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, मुझे डार्क सर्कल्स नहीं है सो मुझे ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो आप इसको एक बार और अपनी आईज लिड पे लगा सकते हैं, देन यू आर डन, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप फाउंडेशन या कंसीलर की तरफ जाएं। यू कैन सी दैट इट्स गिव मी अ नेचुरल लुकिंग ग्लो, बट अच्छा सर लाइक तुम अपने इसको फाउंडेशन को सेट कर लेंगे, इट्स नॉट फाउंडेशन इट्स अ क्रीम, सेट कर लेंगे सो आई हैव लैक्मे 9 to 5 फ्लॉलेस मैट फाउंडेशन, बड़ा अच्छा सा फाउंडेशन है, आपको मैट मैट लुक देता है, अच्छा है इट्स गुड। आप अपने एक्सेस प्रोडक्ट को कर निकालने के बाद ही उसको यूज़ करें। आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन स्पेशली फोकस ऑन योर नोज़ अगर आपको नोज़ पे स्वेटिंग होती है बिकॉज मेकअप होती है, सो इट्स गिव यू अ मैट फिनिश। ईयर नेक सो आई हैव डन विद माई फेस, तो अपनी आईज का देख लेते हैं, सबसे पहले हम आईब्रो कर लेते हैं और मैं अपने आईब्रो को अच्छे से पहले कॉम कर लेती हूँ। अपने अपने लाइक जो इस तरफ होते हैं ना उसको अपर डायरेक्शन में करने हैं, अपर आईब्रोज को अपने अपर डायरेक्शन में कॉम करना है एंड देन इसको थोड़ा साइड से सेम हेयर स्पूलियट से बड़ा अच्छा सा लाइक आईब्रो अच्छे से लगता है। हेयर आई एम यूजिंग मैक का आईब्रो मिनी पैलेट सो मैं इसको लगाऊंगी ऐसे ना ट्रायंगल शेप में आता है लाइक ऐसा सा ब्रश, उससे अगर आपके पास नहीं है तो इसमें भी आता है सो मैं अपने आईब्रो को अच्छे से फिल कर लूँगी आगे की तरफ, आपने उसको ऐसे अपर डायरेक्शन में करना है देन आप देख लो। गाइड्स का कवरेज लाइक ऑसम, डिफरेंस देख सकते हो लाइक अमेजिंग। सो हेयर आई एम डन विद माई आईब्रोज, तो आईज के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ SFR कलर, ये पैलेट है गाइस, गाइस ये ऑल इन वन किट है, इसमें आपको ब्लश मिल जाता है, आई शेडो मिल जाता है, इससे आप हाईलाइटर भी लगा सकते हैं, सो अगर आप बिगनर हैं और आप ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते तो आप ले सकते हैं लाइक गुड। सो हेयर आई एम यूजिंग फ्लैट फ्लफी काइंड ऑफ ब्रश, यू कैन सी हम ज़्यादा डे टाइम के लिए मेकअप है, हम ज़्यादा उसको ऐसे ना नहीं लगाएंगे, हम बहुत लाइट सा बहुत अच्छा सा लुक देने वाले हैं। सो हेयर आई एम यूजिंग ऑरेंजिश पिंकिश कलर, सो हम उसको ले लेते हैं हल्का सा डैब और जस्ट आप इसको अपने क्रीज पे ही लगाएंगे लाइक दिस। अगर आप अपनी आँखों को आधा सा लाइक ऐसे रखते हैं तो फिर आपको अपनी क्रीज दिखती है, सो जस्ट हम इसे अपनी क्रीज पे ही लगाएंगे लाइक दिस। अब इसे हल्का सा खोल के रखेंगे एंड आप इसे जस्ट अपनी क्रीज पे ही लगाएंगे, जैसे जस्ट आप इसे अपनी क्रीज पे ही लगाएंगे सेम है। क्रीज पे लगाने से होता है कि हमारी आँखें बड़ी दिखती हैं लाइक अच्छी लगती है, सो सेम इस तरह भी मैं कर लूँगी। डन विद माई क्रीज एंड मैं हल्का सा सेम कलर का शिमर है लाइक इधर, सो मैं इसको हल्का सा अपने फिंगर से ही अपने नीचे लगा लूँगी लाइक हल्का सा जस्ट फॉर शाइन। गाइस का शिमर लाइक अमेजिंग, ये बहुत 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 अच्छा पैलेट है और मैं आपको ज़रूर इसको रिकमेंड करूँगी, आप अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। गाइस कोई भी आई शेडो है, कोई भी कुछ भी आप अपने आईज़ पे लगा रहे हैं लाइक वो सिर्फ ब्लेंडिंग मांगते हैं, ऐसा नहीं ये कलर है अच्छा नहीं लगेगा, ये वाला कलर है अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो सब कलर बहुत बहुत अच्छे लगे। सो डे टाइम है तो मैं इसमें कोई फॉल्सेस नहीं लगाऊंगी, सो हेयर आई एम यूजिंग मस्कारा मेबलिन द सुपरनी हुपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस वॉल्यूमिनाइज मस्कारा। गाइस अमेजिंग मस्कारा लाइक इसको मस्कारा को लगाने के बाद आई डोंट थिंक सो आपको फॉल्सेस की ज़रूरत ही पड़ने वाली,
बट आप मेरी एक ट्रिक अगर उसको फॉलो करें तो सो हम मस्कारा लगाते हैं लाइक दिस, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप पहले उसको नीचे की तरफ लगाएं, देन आप उसको ऊपर की तरफ लगाएं। लेट मी शो इट, आप जैसे उसको पहले अपने ऊपर की तरफ लगाएं, देन आप उसको ऊपर की तरफ लगाएं। You can see the different. Guys, this mascara is amazing. Like, अगर आप एक बार लेते हो ना आपको बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है। सो हम नेक्स्ट आईज में भी ऐसे कर लेंगे। लगता है फॉल्स की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज ये मस्कारा इतना अमेजिंग है तो आई डोंट थिंक सो मैं फॉल्स की ज़रूरत पड़ी। वी आर डन विद आर आईज और अब हम ब्लश लगा लेते हैं। इट्स हेयर आई एम यूजिंग शुगर का ब्लश, इट्स मिनी ब्लश इन द शेड 01 पीच पीक। अमेजिंग ब्लश है गाइज। अगर आप बिगनर हैं और आप नहीं स्पेंड करना चाहते कुछ महंगी चीज़ों में, लाइक आप जो जो चीज़ मैंने आपको दिखाई है आप वो सब यूज़ करें गाइस, बहुत अफोर्डेबल और बहुत अच्छे, लाइक आपको बहुत अच्छे लगने वाले। माय चीक्स लुक अमेजिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर यूजिंग अ हाइलाइटर। सो हेयर आई हैव सिवाना कलर्स हाइलाइटर इन द शेड 02। मैं आपको दिखाती हूँ हाइलाइट का मैजिक, इट्स लाइक मैजिक। नोज, चीक ऑफ द बर्न, आपने सिर्फ वहां लगाना है जिस जगह आप हाईलाइट करना चाहते हैं। सो अपर लिप्स हल्का सा अपने नेक पे भी लगा लेंगे ताकि अच्छा सा लगे। सो मैं अपने इनर कॉर्नर में भी लगा लूंगी और मैं तो आई डोंट नो व्हाई बट हाइलाइटर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। आई जस्ट लव हाइलाइटर्स। सो गाइज, सो वी आर डन विद आर मेकअप। लास्ट हम लिपस्टिक लगा लेते हैं। सो फर्स्ट आई थॉट पिंक लगाती हूँ बट सोचा नहीं, मेरा दुपट्टा है वो रेड इन कलर, सो मैंने सोचा रेड लगा लेते हैं। सो हेयर आई हैव लैक्मे 925 रेड लिपस्टिक। बहुत ही प्यारा रेड कलर है, बहुत अच्छा है। यू कैन सी दैट क्रीमी सा, लाइक थोड़ी देर बाद ये मैट हो जाना है बट क्रीमी है, अच्छा है, इजी पीजी सा मेकअप लुक। हमने कोई कंसीलर नहीं लगाया है सो हम सेटिंग स्प्रे लगा लेते हैं ताकि कुछ मैस ना हो जाए। सो हेयर आई एम यूजिंग ब्लू हेवन मेकअप फिक्सर मिस्ट स्प्रे ऑन फॉर्मूला। लाइक बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अच्छा। मैंने आपको जितने भी प्रोडक्ट शेयर करे हैं आपके साथ वो सब बहुत अफोर्डेबल है, तो आप प्लीज़ इसको ट्राई करें। सो हम इधर कभी भी आप यूज़ करते हैं सेटिंग्स पे उसको पहले अच्छे से शेक कर लें, देन आप उसको यूज़ करें। बट रिमेंबर उसको थोड़ा सा दूर रखें, इतना पास नहीं। और अगर आप अपने बालों से डन हो चुके हो, लाइक बाल बन चुके हैं आपके, सो अपने बाल से भी थोड़ा ठीक रखें। सो ये फिक्सर बहुत अच्छा है, आपको मैट फिनिश देगा, साथ में ही आपको आपकी स्किन थोड़ा सा ग्लोई कर देगा। लाइक यू कैन सी दिस स्किन ग्लो कर रही है। सो हाइलाइटर लगाया है हमने बट स्टिल ग्लो कर रही है। सो मैं पूरा रेडी हो जाती हूँ देन आपसे मिल। सो हेयर आई एम डन। मैंने झुमकास पहने हैं, थोड़ा सा बन बनाया है, चूड़ियाँ पहनी हैं।
सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. थैंक यू.